ये है डबल एडवांसली क्लॉथ वार्डरोब, और इसमें आपको असेंबल करने से पहले पार्ट्स एक बार क्रॉस चेक करने पड़ेंगे। 70 रॉड होती हैं 70, तो आपके लिए 10-7 सेट हैं, 10-10 के रॉड के। और इसके बाद आपको चाहिए दो हैंगर असेंबल करने के लिए, दो हैंगर हैं। और इसके बाद आपको टी जॉइंट चाहिए, ये टी जॉइंट 16 टी जॉइंट है। इसके बाद क्रॉस जॉइंट चाहिए होंगे आपको, ये क्रॉस जॉइंट है, ये पूरे 8 होंगे। इसके बाद स्ट्रेट चाहिए होगा, ये भी 8 पीस होंगे, ये स्ट्रेट है। इसके बाद थ्री फी आपकी जो नीचे की साइड में पैर हैं, ये पैर हैं 3 वो वाले। इसके बाद आपको चाहिए 4 फी, ये भी 4 हैं और ये भी 4 हैं। ये नेट है, ये 14 सेल्स आएंगे आपके लिए कपड़े में यूज़ करने के लिए जो सेल्स हैं। और एक कवर है, ये कवर आपका कपड़ा हो गया। स्टेप फर्स्ट में ये सारे आपको असेंबल करने हैं, 3 सेल्फ लगेंगी और जो 3 फी और 4 फी थे वो सारे यूज हो जाएंगे। कॉर्नर पे यहाँ भी लगेगा, ये 3 फी है और ये मिडल में जो लगेंगे ये एंड ये यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये आपके 3 फी हो गए जो आपको 4-4 मिलेंगे। अब इसको नेक्स्ट स्टेप इसको असेंबल करते हैं। अब ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकेंड स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये पाइप इस तरह से एक बार ऊपर लगा देने हैं। अब इसके ऊपर का फ्रेम दिया, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे आपके पास ये टी जॉइंट है और ये क्रॉस जॉइंट है, तो ये क्रॉस जॉइंट यहाँ पे लगेंगे दोनों में और टी जॉइंट हमेशा कॉर्नर पे लगेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें कपड़े डाल, ये नेक्स्ट स्टेप, इसमें हमने कपड़े ऐड कर लिए, अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये इसका बेस सेकंड स्टेप तैयार हो गया है, अब इसको ऊपर असेंबल करते हैं। और ये इसका ऊपर बेस इसके साथ फिट हो गया। इसके बाद हमने ऊपर रॉड्स वापस पहले की तरह दोबारा से लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको ये दो कपड़े हैं इस तरह से इन दोनों पे लगा देने हैं। इसके बाद एक इसका नेक्स्ट स्टेप में इसका जो बेस होगा वो तैयार करना है वापस। इस पे लगाने के लिए आपको एक बेस तैयार करना है जिसमें आपको ये जो टी जॉइंट हैं वो 4 टी जॉइंट, 4 रॉड और एक सेल्फ यूज़ करना होगा। अब इसको इसके ऊपर लगाते हैं, और इसका जो बेस अभी बनाया था इसके ऊपर हमने रख दिया है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब इसके ऊपर हमने दो 4 पाइप्स और लगाई हैं, अब इसमें सेल्फ का कपड़ा लगाते हैं। अब इसके ऊपर हमने दो कपड़े साइड से इस तरह से लगा दिए हैं। इस पे लगाने के लिए आपको बस एक बेस चाहिए, तो ये मैंने बेस तैयार कर लिया है, अब मैं इसको इसके साथ लगा देता हूँ। ये आपका नेक्स्ट स्टेप भी तैयार हो गया। अब इसका अगला स्टेप है इनके ऊपर इनको एक्सटेंड करना, इनको एक्सटेंड करते हैं पहले। नेक्स्ट स्टेप में मैंने अब सारा असेंबल कर दिया, अब ये टॉप तक पहुँच चुका है। अब बस लास्ट स्टेप है, इसका टॉप को असेंबल करना है और इनको आपस में जो स्ट्रेट आपको मिले थे 8 पीस वो यहाँ पे यूज़ करने हैं, जैसे मैंने ये किए हुए हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट आपको यहाँ पे यूज़ करना है सबसे लास्ट वाले उसमें, ठीक है। अब इसका हम टॉप तैयार करते हैं, और ये अब मैंने बेस भी तैयार कर लिया, अब बस इसको ऊपर लगाना है। अब ये जो आपका फ्रेम है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपके पास जो दो हैंगर बचे थे वो मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं, ये हैंगर लग चुके हैं ये। अब इस पर हम कपड़ा चढ़ा,